लोकसभा चुनाव की 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी और एसएसपी उधम सिंह नगर ने बगबाड़ा मंडी में बने स्ट्रांग रूम के बाहर अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने अधिकारियों संग स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी कर्मचारी एजेंट मतगणना स्थल पर मोबाइल नहीं ले जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक विधानसभा में तैनात कर्मचारियों को कलर कोडिंग में रखा गया है। मीडिया के लिए अलग से रूम बनाया गया है जहां राउंड की जानकारी दी जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी उदयराज सिंह ने बताया कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। तो लोकसभा निर्वाचन सामान्य निर्वाचन 2024 का प्रक्रिया के अंतर्गत 4 जून को मतगणना की प्रक्रिया होनी है। तो माननीय डीएम साहब जो आरओ हैं और मैं और एडीएम्स और सीडीओ जो नोडल ऑफिसर पुलिस की तरफ से चंद्रशेखर और नोडल ऑफिसर प्रशासन सीडीओ मनीष, सारी विभाग की सारे टीम्स जो है अभी आके स्ट्रांग रूम्स का और विभिन्न काउंटिंग सेंटर का मुआयना कर लिया है। हमारा पुख्ता व्यवस्था करना है, उसके लिए जो काउंटिंग के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर है और काउंटिंग का अनाउंसमेंट्स है उसके लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर है, और मुख्य रूप से हमारा जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का जो मीडिया है, मीडिया के लिए मीडिया सेंटर कहाँ बनेगा, वो सारी चीजें प्लान आउट कर लिया। हमारा मेन चैलेंज ये है, एक तो व्यवस्था तो बनाना है, सुचारू रूप से काउंटिंग व्यवस्था बनाना है। मुख्य चैलेंज मैं नोटिस कर पा रहा हूँ, गर्मी है, तो इतनी तपती गर्मी में हजारों काउंटिंग एजेंट्स आएंगे, हजारों चुनाव कर्मचारीगण आएंगे और कई सौ से ऊपर भी मीडिया कर्मचारीगण आए हैं, उन सबको पानी का व्यवस्था और धूप से बचाने की व्यवस्था करने के लिए अलग अलग एंक्लोजर्स बनाया जा रहा है। 4 जून को जो सामान्य लोकसभा निर्वाचन 2024 की मतगणना से संबंधित तैयारियों की बात है, तो आज सारे अधिकारी जो इससे जुड़े हुए हैं काउंटिंग से,